सुशांत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा न्याय व्यवस्था में भरोसा, मुझे मिलेगा इंसाफ, सत्यमेव जयते। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने आज तक से की बातचीत, कहा कमजोर नहीं थे सुशांत सिंह। तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था, तो कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। आई कंप्लीटली डिनाई दिस। मुंबई में जारी है पटना पुलिस की जांच, सबूत तलाशने सुशांत के घर के भीतर पहुंची बिहार से गई जांच टीम। सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, कहा रिया की याचिका पर फैसले के पहले सुना जाए उनका पक्ष। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग ने पकड़ा जोर, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले सरकार को सुननी चाहिए लोगों की बात। जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या, इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम ने भी की सीबीआई जांच की मांग, सुशील मोदी का ट्वीट, जांच में रोड़े अटका रही है मुंबई पुलिस। बिहार के मंत्री ने मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल, कहा अगर ठीक से जांच नहीं हुई तो सीबीआई जांच के लिए पीएम से बात कर सकते हैं नीतीश कुमार। यदि एक केस में महाराष्ट्र की जो प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगी तो इस केस को हम सीबीआई जांच भी करानी होगी, तो हम उनके परिजन के साथ खड़े हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले शेखर सुमन, कहा लोगों की भावनाओं का रखना चाहिए ख्याल। जानते हैं वो सारी बातें जानते हैं, उन्होंने बातों को समझा और हमने कहा कि जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को तोड़ के सब चीजें बाहर जा रही हैं और बहुत सारे इसमें पेंच उलझ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग, मंत्री जयंत पाटिल बोले ठीक दिशा में चल रही है मुंबई पुलिस की जांच। ऐसा है कि महाराष्ट्र के पुलिस, मुंबई के पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। पटना पुलिस ने दर्ज किया सुशांत के रसोई का बयान, नीरज ने बताई घटना वाले दिन यानी 14 जून की पूरी कहानी। सुशांत केस को लेकर बिहार में आला अधिकारियों के साथ डीजीपी की बैठक, मुंबई पुलिस से जांच में सहयोग की अपील। लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है, अरे मैच की जगह नहीं वो सुविधा दें हमारे लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है, अरे मैच की जगह नहीं वो सुविधा दें हमारे लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका से नया ट्विस्ट, पटना में दर्ज एफआईआर के पीछे सुशांत के एडीजी रिश्तेदार का हाथ पता। रिया चक्रवर्ती सुशांत की बहन मीतू पर लगाया संगीन आरोप, बोले सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर बयान देने के लिए बनाया दबाव। 15 करोड़ के हेरफेर के आरोप पर सुशांत के सीए का बड़ा खुलासा, कहा खातों से रिया को नहीं हुआ बड़ी रकम का ट्रांसफर। राजस्थान में जारी है सियासी ड्रामा, जयपुर के होटल से जैसलमेर शिफ्ट किए गए कांग्रेस के विधायक। जयपुर से चार्टर्ड फ्लाइट से जैसलमेर भेजे गए कांग्रेस के विधायक, सीएम ने 14 अगस्त तक वहीं रहने को कहा। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में रहेंगे कांग्रेस के विधायक, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। विधायकों का ठिकाना बदलने पर अशोक गहलोत की सफाई, बोले लोकतंत्र बचाने की कर रहे हैं कोशिश। 17 अगस्त को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं अशोक गहलोत, 14 अगस्त से शुरू हो रहा है सत्र। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा राजस्थान का सियासी ड्रामा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। बागी विधायकों की तलाश में मानेसर पहुंची एसीबी की टीम, होटल में नहीं मिले विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा। 5 अगस्त को सुबह 11:15 अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे होगी रामनगरी से वापस। फाइनल हुआ अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट, सूत्रों के मुताबिक मंच पर होंगे सिर्फ 5 लोग। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में जोरदार तैयारी, पीले रंग में रंगी भगवान राम की नगरी। अयोध्या में तैयार किया जा रहा राम मंदिर के भूमि पूजन का भोग, 5 अगस्त के लिए बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे बेसन के लड्डू। स्टील के टिफिन में भक्तों को दिया जाएगा भूमि पूजन का प्रसाद, भारी संख्या में मंगाए गए टिफिन। मंदिर भूमि पूजन को लेकर बनारस में भी बड़ी तैयारी, शहर में लगाने के लिए घर घर बन रहे रामध्वज। बस्ती के विधायक ने परिवार के 15 सदस्यों की ओर से सौंपी 15 किलो चांदी की ईंट, 15 किलो 300 ग्राम है वजन।
ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या आगमन के लिए पीएम को दिया आशीर्वाद, कहा अब नहीं आते तो कब आते। वह चांदी के हैं और चांदी के ईंटे रखे जाएंगे और मंत्र के द्वारा उनको स्थापित किया जाएगा। ये पांचों ईंटे जो हैं वह चांदी के हैं और चांदी के ईंटे रखे जाएंगे और मंत्र के द्वारा उनको स्थापित किया जाएगा। अयोध्या पहुंचे कच्छ के अशोक भानुशाली और उनकी पत्नी कविता भानुशाली, कमल के फूल की पंखड़ियों पर उकेर रहे हैं भगवान राम की तस्वीर। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर यूपी के बॉर्डर्स पर अलर्ट, राज्य की सीमा में आने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर। दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेज उपराज्यपाल की नई किस्त, अनलॉक 3 में एलजी ने केजरीवाल के दो फैसले किए खारिज। होम आइसोलेशन और वकीलों की नियुक्ति को लेकर एलजी ने पलटा सरकार का फैसला, आम आदमी पार्टी ने केंद्र को दी चेतावनी। सरकार के कामकाज में दखल देना, चुनी हुई सरकार को अंडरमाइन करना, उसके अधिकार क्षेत्र को नीचा करना और दिल्ली वालों को पीड़ा देकर उनको मजा आने लगा है, ऐसा लगता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेडिस्टिक प्लेजर। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले, 16,38,000 के पार कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 779 लोगों की मौत, अब तक 35,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,320 नए मामले, 4,22,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,093 नए मामले, 1,34,000 के पार कुल आंकड़ा। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मौत पर सियासी को हराम, अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। पानीपत में 3 बच्चों की हत्या के मामले को लेकर जारी हंगामा, प्रदर्शन कर रहे गांव वालों के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक। सुकमा में सीआरपीएफ के जवान पर बलात्कार का आरोप, 24 घंटे में हुई गिरफ्तारी। मथुरा में 10वीं के लापता छात्र का स्कूल में फंदे पर झूलता मिला शव, परिवार वालों ने पुलिस पर जांच में ढिलाई का लगाया आरोप। कैमूर में अलग अलग थानों में जब्त शराब पर चला बुलडोजर, 30 लाख रुपए की अवैध शराब की गई नष्ट। ग्रेटर नोएडा में धर्मशाला में चौकी चला रही है पुलिस, जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस वाले। बकरीद को देखते हुए देवबंद में सुरक्षा चाक चौबंद, पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से की बैठक। बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए यूपी में सुरक्षा कड़ी, ड्रोन की मदद से हो रही निगरानी। कोरोना संकट के बीच लोगों पर चढ़ा त्यौहार का रंग, रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, समस्तीपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक, 13 साल पहले वाले खतरनाक लेवल पर पहुंचा पानी। बिहार के छपरा में बाढ़ से हाहाकार, पानी में डूब गए सैकड़ों गांव, जुगाड़ की नाव से जिंदगी चला रहे हैं। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है बूढ़ी गंडक का पानी, सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव, पीड़ितों को बांटा अनाज और नकदी। 174 मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है लेकिन वो इस विपदा के घड़ी में बाहर नहीं निकले, वो उनकी तो दूर की बात है, सिंचाई मंत्री भी नहीं नजर आए होंगे। दरभंगा के पारगेट में फैला बाढ़ का पानी, उपकरण डूबने से बंद किया गया बिजली सप्लाई का काम, 10 से 12 जिले हो रहे हैं प्रभावित। असम में बाढ़ से 21 जिलों के 11 लाख लोग प्रभावित, 108 लोगों की जा चुकी जान। देहरादून में बर्बादी की बारिश, पानी में डूबी सड़कें, घरों में भरा पानी। उत्तराखंड के धारचूला में बहा पथरीला दरिया, मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से बहकर आया मलबा। धारचूला के सैलाब और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू मिशन में लगे सेना के जवान, रस्सी के सहारे पार किया दरिया। टेहरी के घनसाली में जोरदार बारिश, उफान पर है बालगंगा और सारी सहायक नदियां, डूब गए सारे घाट। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, बड़ी गाड़ियों की आवाजाही ठप। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, बंद सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से चार धाम यात्रा पर असर, केदारनाथ धाम में अब तक 8,000 यात्री कर चुके दर्शन। 129 अंकों की गिरावट के साथ 37,606 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 28 पॉइंट गवाकर 11,073 पर बंद।
गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने पर विचार कर रही सरकार, सोना खरीदकर टैक्स चोरी करने वालों पर लगेगी लगाम और मेटल आयात में होगी कटौती। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च कोरोना काल के पहले स्तर के पार, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड की रिपोर्ट का दावा। कोरोना काल में डिमांड में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल एफएमसीजी की बिक्री में नहीं होगी बढ़ोतरी, नीलसन की रिपोर्ट में किया गया दावा। कॉग्निजेंट ने कोरोना काल में 7,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, कर्मचारियों की संख्या घटकर 2018 के 10,500 के स्तर पर लुट गई। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1,00,000 ऑटो रिक्शा में सेफ्टी पार्टीशन लगाएगी उबर, बजाज ऑटो के साथ करार। रॉयल एनफील्ड ने हासिल किया नया मुकाम, जून में इंटरसेप्टर 650 ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। आसुस ज़ेनबुक 13, वीवो बुक S14 समेत लॉन्च किए गए 4 लैपटॉप 39,990 रुपए शुरुआती कीमत। कोरोना वायरस ने दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को दिया बड़ा झटका, अप्रैल से जून की तिमाही में इकोनॉमी में 32.9% की गिरावट। एप्पल ने कबूल की आईफोन 12 के लॉन्च में देरी की बात, कहा मुमकिन है कुछ हफ्ते की देरी। घरों की बिक्री के लिए नरेडको ने शुरू किया ई कॉमर्स पोर्टल, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए सरकार ने दिया FDI की मंजूरी का भरोसा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने लॉन्च किया क्रेडाई आवास ऐप, बिचौलियों के बगैर दुनिया में कहीं भी एक क्लिक में खरीद सकेंगे घर। नवंबर में होने वाले चुनाव को टालने की बात पर बैकफुट पर आए ट्रंप, पार्टी नेताओं की आलोचना के बाद कहा सिर्फ फर्जी वोटों से बचना चाहते। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, शारीरिक रूप से मौजूद रहने वाले दुनिया के इकलौते नेता होने का बनाएंगे रिकॉर्ड। अमेरिका में शुरू हुआ COVID-19 की 2 वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल, सैकड़ों लोगों ने लगवाया टीका। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, मरीजों की संख्या 1,75,00,000 के करीब, 6,77,000 की हो चुकी मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 46,34,000 से ज्यादा, अब तक करीब 1,55,000 की ले चुका जान। ब्राजील में भी 26,00,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 91,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। WHO ने बुलाई आपात कमेटी की बैठक, कोरोना महामारी पर काबू पाने के उपायों को लेकर हो सकती है चर्चा। WHO ने साफ किया लोगों को महामारी के साथ जीना सीखना होगा, सुरक्षा के लिए जरूरी है एहतियात। ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी में भी कोरोना का संक्रमण, लेकिन अब भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं बोल्सोनारो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा खुलासा, चीनी हैकर्स ने की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के डेटा की चोरी की कोशिश। कोरोना की मार से अब तक बचे रहे वियतनाम में भी दिखने लगा असर, लोगों को टेस्ट कराने के दिए जा रहे निर्देश। ग्रीस में दोबारा पाबंदियों के बीच खोल दिया गया पर्यटन उद्योग, घरेलू और विदेशी पर्यटकों को मिली इजाजत। फ्रांस में कोरोना ने तोड़ी पर्यटन उद्योग की कमर, आर्थिक मदद की मांग को लेकर टूरिस्ट गाइड्स ने मास्क लगाकर किया प्रदर्शन। युद्धग्रस्त सीरिया में भी दिख रही ईद की रौनक, कुर्बानी के लिए इदलिब में लोग जमकर कर रहे हैं जानवरों की खरीदारी। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले कोहराम, विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक अपार्टमेंट में भीषण आग, पूरी तरह खाक हो गई 3 मंजिला इमारत। अफगानिस्तान में भी ईद पर खूब खरीदारी, काबुल के बाजारों में लोगों की भारी भीड़। स्पेन में इस बार गर्मी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, मैड्रिड समेत ज्यादातर इलाकों में 40 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। कोरोना महामारी के बीच जारी हज यात्रा, अरब के माउंट अरफात में प्रार्थना करते नजर आए श्रद्धालु। अमेरिका के फ्लोरिडा में मंडराया समुद्री तूफान का खतरा, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह, मायामी में बंद की गई कोरोना की टेस्टिंग।